वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल कैराना पहुंचे और शामली जिले का कैराना वही कस्बा है जो 2017 में चुनाव में हिंदुओं के पलायन की वजह से चर्चा में आया था। सीएम योगी आज कैराना दौरे पर उन लोगों से मुलाकात किए जो पलायन के बरसों बाद वापस लौटे हैं। अपने एक दिवसीय दौरे पर कैराना पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना के पलायन करने वाले लोग अपने घरों से लौट आए हैं, अब यहाँ विकास की धारा बह रही है, सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। इस बीच उन्होंने पलायन करने वाले पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका कुशल जानने की कोशिश की। 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई, बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीति के अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी, मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है, सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी
प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं।